मुख्य निर्वाचन आयोग पदाधिकारी अनुपम राजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 64,626 मतदान केंद्र, जिनमें 64,523 मुख्य मतदान केंद्र एवं 103 सहायक मतदान केंद्र, जहां मतदाताओं की संख्या 15,000 से अधिक है। अनुपम राजेंद्र ने बताया कि 5,160 मतदान पूर्णतः महिला मतदाता कर्मियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन मतदान केंद्रों पर संपूर्ण मतदान दल महिला अधिकारी कर्मचारी होंगे और मत दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास एवं सम्मान की दृष्टि से कुल 143 मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर संपूर्ण मतदान दल दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी का होगा। 371 यूथ मैनेज्ड बूथ प्रथम बार बनाए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1,90,233 व्यक्तियों पर प्रतिबंध कार्रवाई की गई है और इन क्षेत्र में 2,69,318 लाइसेंस हथियार जमा कराए गए हैं। 2018 की तुलना में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी होते हैं जो संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जाते हैं या आवश्यकता अनुसार जनरल ऑब्जर्वर उनको किसी भी मतदान केंद्र पे भेजते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, ये केंद्र सरकार के लोग होते हैं। इनकी संख्या 11,215 है। तो 11,215 मतदान केंद्रों पे मतदान दल के अलावा और तमाम जो बातें मैंने कही, माइक्रो ऑब्जर्वर भी होंगे जो उन गतिविधियों को देखेंगे, उनका पर्यवेक्षण करेंगे। तो एक तरह से संक्षेप में पूरी व्यवस्था मैंने आपको बताई जो कल की तैयारी है और हम सब लोग बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए कि एक अच्छे माहौल में, सुरक्षित माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में मध्य प्रदेश में कल 64,626 मतदान केंद्रों पे मतदान संपन्न हो। जी एक करके ले थे।